अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुफियान उल हक और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सॉल्यूशन। सो दोस्तों, आज के न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ 80 स्क्वायर यार्ड हाउस, जो कि ग्राउंड प्लस 2 बना हुआ है, फुल RCC है और कॉर्नर का यह हाउस है। फुल बैंगलोर स्टाइल में बना हुआ है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लोकेशन का यह हाउस है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है ऐसी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाते रहता हूं, ताकि आप लोग का घर चले चले मेरे चैनल के दोस्तों से मिल सके। सो अभी फ्रंट एलिवेशन है, आप लोग इसका देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है और बहुत ही लग्जरी एलिवेशन इसका दिया हुआ है। फ्रंट ये चेक कर सकते हैं आप लोग, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डिजाइन में बनाया है। कार पार्किंग भी आपको इसमें मिल जाएगी। सामने आप देख सकते हैं बड़ा गेट लगा हुआ है, कॉर्नर का है, जिसके साथ गली अंदर जा रही है, उसके फ्रंट पे छोड़ा रोड है। तो इसकी एड्रेस और डिमांड की भी हम बात करेंगे, पहले हम आपको इसका पूरा प्रॉपर टूर करा देते हैं। बिल्कुल टॉप तक इसका वीडियो बनी हुई है। तो अभी हम अंदर एंटर हो चुके हैं, तो जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्पेस है, गाड़ी आपकी आराम से यहाँ पार्क हो सकती है। और यहाँ मोटर वगैरह का सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम दिया हुआ है। तो अब इसके अंदर हम जा रहे हैं ग्राउंड वाले पोर्शन, तो ये देख सकते हैं आप लोग जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं टीवी लॉन्च, और इसके साथ आपको किचन बड़ा सा बना हुआ मिल जाता है। कैबिनेट इसमें देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लगे हुए, और ये स्टेयर चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बैंगलोर स्टाइल डिज़ाइन इसमें दिया हुआ है। इसके साथ ये ड्राइंग रूम आ जाता है, और सामने आपको दो रूम मिल जाते हैं। रूम साइज चेक कर सकते हैं, विंडो अटैच बाथ हर रूम के साथ आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें देख सकते हैं टाइल्स लगे हुए हैं, साइज भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और बाथिंग एरिया भी इसमें देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे आप लोग को कैबिनेट्स लगे हुए मिल जाएंगे इस रूम के अंदर। विंडोज आप चेक कर सकते हैं, ये ऊपर जाने का रास्ता फर्स्ट फ्लोर पे है, और इसके साथ ही सीढ़ियों के साथ एक और आप लोग को रूम मिल जाएगा, जिसकी विंडो बाहर की तरफ जाती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी बड़ा साइज है रूम का। सामने चेक कर सकते हैं अटैच बाथ है, और ये टीवी लॉन्च है, ये किचन आ गया। ये तो आप लोग ने देखा इसका, ये किचन कैबिनेट वगैरह चेक कर सकते हैं, नीचे भी लगे हुए हैं ऊपर भी हैं। और ये साइड में देख सकते हैं ये बालकनी है। अब जी ये हम इससे आगे आए हैं, तो ये नीचे वाला पोर्शन आप लोग ने देखा, इससे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा, टाइल मार्बल वगैरह हर चीज़ लगी हुई है, किचन वगैरह भी बेहतरीन बना हुआ है। तो ग्राउंड वाले पोर्शन में दो रूम, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, और जिसमें पार्किंग भी है, और अटैच बाथ है, कॉमन वॉशरूम है। फिर ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, तो इसी तरह आप लोग ये चेक कर सकते हैं, चारों तरफ गैलरी भी निकली हुई है, और इसमें भी दो रूम, टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम आप लोग को मिल जाता है। ये रूम चेक कर सकते हैं, इसके साथ विंडो भी, टीवी हैं, और ये अटैच बाथ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज का है, और सारा सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही अच्छा एरिया है, इधर गैस बिजली पानी हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इस एरिया के अंदर। ये रूम आप लोग देख सकते हैं, विंडो आप देख सकते हैं यार कितने बड़े टीवी है, बिल्कुल बैंगलोर वाला स्टाइल इसमें दिया हुआ है हर चीज़ का। तो इस रूम के साथ गैलरी चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी खूबसूरत सी गैलरी है ये। अगर आप लोग डोर खोल देते हैं तो रूम के अंदर भी अच्छी खासी वेंटिलेशन हो जाती है, विंडो ही काफ़ी बड़ी लगी हुई है। तो इसके साथ ये आप चेक कर सकते हैं, किचन इस पोर्शन का बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे ये किचन आप लोग को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग कैबिनेट वगैरह ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, और ये फिर एक रूम आ जाता है, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, इसमें भी अटैच बाथ मौजूद है, राइट पे देख सकते हैं आप लोग। और ये मेन ऊपर टॉप पे रास्ता जाता है, सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो अभी ऊपर चल रहे हैं, ऊपर से आप लोग को उसका विजिट करवाते हैं, फिर उससे भी ऊपर टॉप
शॉप पे हम जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे। ये चेक कर सकते हैं आप लोग, काफी बड़ी छत है, अच्छी खुली डुली हवादार। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, ये टेरिस भी बना हुआ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जाने का भी रास्ता है, ये आप सामने देख सकते हैं। इसके ऊपर भी चलते हैं तो यहाँ से आप लोग को इसका विजिट कराते हैं। अच्छा जी, इसकी हम आपको लोकेशन बता देते हैं, इसकी प्रॉपर लोकेशन गाइड कर देते हैं। इसकी लोकेशन है लांडी नंबर 2, एरिया C1, नया बाबा मार्केट और रिजवान स्वीट। आप लोग को यहाँ पे ये हाउस मिल जाएगा, बाबा मार्केट के बिल्कुल नज़दीक ये हाउस है और मेन रोड भी करीब है। इसमें जो ख़ास बात है वो यही है कि आपको मेन रोड और बाबा मार्केट दोनों करीब मिल जाती हैं और हर चीज़ की सहूलत बिल्कुल नियरेस्ट है। तो ये ऊपर जा रहे हैं, इसकी हम डिमांड भी आपको बताते हैं। ये आप लोग देख लें कि ऊपर बिल्कुल हम टेरेस पे आ गए हैं, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आप लोग को मिल जाता है। तो इसकी डिमांड की बात कर लेते हैं, इसकी डिमांड है 2,20,00,000, नेगोशिएट इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको विजिट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके सामने स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहां से आप लोग रब्ता करके इसको विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, घर भी पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाउस के साथ। अल्लाह हाफिज़।